हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने स्वागत है दोस्तों में परिवर्तन करना सीखेंगे तो वीडियो को समझ में आएगा तो दोस्तों पहला संख्या हम लेकर चल रहे हैं तेरा इसको दोस्तों हम द्वि आधारित संख्या में परिवर्तित करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों जैसे अपन द्वि आधारित संख्या में मतलब दो का भाग देते चलेंगे तो तेरह में दो का भाग देंगे तो बताइए आप ही तेरह में दो का भाग देने पर भागफल कितना आएगा छह और शेष फल आ जाएगा एक तो शेष फल की बात छोड़ दीजिए आप पुनः भागफल को लीजिए दो से पुनः भाग दीजिए तो तीन आएगा और शेष फल आएगा जीरो ठीक है पुनः दोस्तों तीन बचा आपका तो पुनः तीन का भाग देते हैं दो से तो दोस्तों कितना आ जाएगा दो एक कम दो और शेष फल कितना बचेगा एक पुनः दोस्तों जब तक ये जीरो ना आ जाए तो पुनः एक से भाग देंगे तो जीरो बार जाएगा ठीक है और शेष फल कितना बचेगा दोस्तों एक तो जब तक हमारा भागफल जीरो ना जाए तब तक हमको ए, दो से भाग करते रहना ठीक है आधा दोस्तों आपका आंसर आया देखिए बहुत आसान है तेरा अपन दोस्तों दार्शमिक पद्धति से दुई आधारी में तो वन जीरो वन वन ठीक है कितना दोस्तों वन जीरो वन वन तो वन जीरो वन वन और यहां पर ट्वाइस कर दो तो ये आ गया दुई आधारी संख्या बहुत आसान है यार कुछ भी नहीं है ठीक है चलिए कोई दूसरा लेकर चलते हैं अपन जैसे कोई लंबा सा ले लेते हैं दोस्तों थर्टी सेवन है ठीक है थर्टी सेवन चलिए थर्टी सेवन डिवाइड बाई टू तो दोस्तों आप दो से भाग दोगे तो अठारह दूनी छत्तीस शेषफल एक बच रहा है ठीक है फिर दोस्तों अठारह का भाग दोगे दो से तो नौ दूनी अठारह और दोस्तों सेरो बच रहा है फिर नौ से दोस्तों दो का भाग दोगे आप तो कितना हो जाएगा दोस्तों तो अपना आ जाएगा दो से भाग दोगे तो चौकों से जाएगा दोस्तों दो, दो चौको आठ और एक शेष बच जाएगा फिर चार में दोस्तों जो बचा उसमें फिर दो का भाग दो तो दोस्तों दो दूनी चार और दोस्तों जीरो आ गया फिर दोस्तों आपके पास फिर दो बचा तो दो में दो का भाग दो तो दोस्तों भागफल एक कम से जाएगा ठीक है और क्योंकि दोस्तों दो एक कम दो हो जाएगा और शेषफल जीरो आ जाएगा लेकिन दोस्तों जब तक यहाँ जीरो ना हो जाए पुनः एक का भाग देंगे दो से तो जीरो बार जाएगा तो शेषफल कितना हो जाएगा एक हो जाएगा ठीक है तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो आंसर आया कितना आ गया दोस्तों सैंतीस का सैतीस का दाशमिक से आप द्वी आधार में वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन का होल ट्वाइस ठीक है ये आपका दोस्तों आ गया द्वी आधार संख्या बहुत आसान है यार सीखना ठीक है बस आप लोग थोड़ा सा धैर्यता से सीखिए धैर्यता से आप यदि सोच लेंगे कठिन है तो बिल्कुल कठिन है कठिन तो कठिन नहीं है यार भाई ठीक है जैसे कोई दूसरा अंक ले लो ईजी सा कोई और अंक ले लो जैसे मैं यदि बात करूं कि पंद्रह का करो आप पंद्रह का तो पंद्रह में दो का भाग दो दोस्तों कितना आ जाएगा सात दूनी चौदह शेष फल एक बच्चा फिर सात में दो का भाग तो कितना हो जाएगा दोस्तों दो तिहाई छह फिर एक बचेगा फिर दोस्तों तीन में दो का भाग दो तो दो एक कम दो एक बचेगा फिर दोस्तों एक में दो का भाग तो जीरो बार जाएगा और कितना हो जाएगा लास्ट में दोस्तों मतलब पंद्रह का संख्या one, 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 one. ये दोस्तों आपका आ गया का संख्या क्लियर है ना पंद्रह का दु संख्या आ गया दोस्तों तो इस प्रकार से आप दुई आधारित संख्या निकाल सकते हो आसानी से अब दोस्तों यदि दशमलव प्रणाली आ जाए दशमलव का देखिए दशमलव का भी अपन एक दो कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो आपके सिलेबस में दोस्तों जो पेपर के एग्जाम की, की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों तो रेयर कंडीशन में पूछा जाता है बाकी यदि आपके लिए तो ये दोस्तों जानना जरूरी है और आपके सिलेबस में इसलिए मैंने सोचा कि करा देता हूं और आप लोग सीख लीजिए जैसे मैं यदि एक क्वेश्चन लेता हूं ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव ठीक है तो दोस्तों पच्चीस का तो आपको सेफ उसी प्रकार करना है दो से अपन डिवाइड करेंगे तो बारह जाएगा सेस फल एक बचेगा फिर बारह को दो से डिवाइड करेंगे तो छह जाएगा शेषफल जीरो बचेगा फिर छह को दो से डिवाइड करेंगे तो तीन हो जाएगा शेषफल शेष हो जाएगा फिर तीन को दोस्तों दो से डिवाइड करेंगे तो एक जाएगा शेषफल हो जाएगा फिर एक को दोस्तों दो से डिवाइड करेंगे तो जीरो बार जाएगा शेषफल एक बचेगा मतलब दोस्तों अभी पच्चीस का आया ठीक है जीरो पॉइंट फाइव का नहीं आया तो अब जीरो प्वाइंट फाइव का कैसे करना है मल्टीप्लाई करना है इसमें डिवाइड नहीं करना है तो देखिए कितना आ रहा है दोस्तों पांच दोन दस मतलब ये 1.0 आ चुका है मतलब अब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आ गया जब तक वन रहना है तो आ गया दोस्तों है ना यहां मतलब दशमलव कोई अंक पच्चीस दशमलव दशमलव पांच का दशमिक है इसको कितना दोस्तों कंप्लीट है और इसका होल टॉइस कर दो चलिए कोई बात नहीं एक समझ में नहीं आया बिल्कुल गम नहीं है अगला समझ में आएगा मेरे भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है तो चलिए कुछ भी ले लेते हैं अपन जैसे एक आपके पास है टेन पॉइंट सिक्स टू फाइव टेन पॉइंट सिक्स टू फाइव पहले आप टेन का निकाल लो टेन का करो मेरे भाई तो दो, दो से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा शेष फल जीरो दो तो पंचे दस फिर पांच है इसका दो से भाग दोगे दो दूनी चार शेष फल एक बचेगा फिर दो का दोस्तों दो से तो दो एक कम दो शेषफल कितना बच रहा जीरो फिर एक है ना तो एक का फिर दो से तो जीरो बार जाएगा और शेषफल बचेगा एक क्लियर हो गया तो ये अपना दस का आ गया अब अपन को जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव का करना है पहले अपन टू का मल्टीप्लाई कर दो टू का मल्टीप्लाई करो यार दो दो पंचायत दस दो एक पांच और दो छक्का बारह दसमलव दोस्तों कहां पे लग जाएगा तो वन टू थ्री यहां पर तो एक को अब छोड़ देना आपको एक को छोड़ देना ध्यान रखना एक को छोड़ देना है अगले स्टेप में जो आपका आया पॉइंट टू फाइव जीरो मल्टीप्लाई टू तो दो शून सुन, नून दो पंचायत दस की शून्य दोनों चार एक पांच दशमलव ठीक है ये आ गया दोस्तों और फिर जीरो तो फिर जीरो है तो इसको छोड़ दो इसको फिर से लो जब तक कि दशमलव के बाद जीरो ना आ जाए इसके अगले स्टेप में जीरो पॉइंट फाइव जीरो मल्टीप्लाई टू अब इतने जीरो मत लो तो दोस्तों जीरो से जीरो हो जाएगा पांच शूनम सुन्दम्स, दो शून नम शून्यूनी दस तो लो यहाँ लग जाएगा अब दोस्तों यहां पर देखिए यहाँ पर वन जीरो वन उठाना है तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों जीरो वन जीरो वन दशमलव वन जीरो वन ये दोस्तों आ गया आपका क्या आ गया दोस्तों आपका द्विआधारी संख्या है ना इससे भी आप कुछ और ले सकते हैं और इसी प्रकार से निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो दोस्तों ये दासमिक संख्या को द्वि आधारित संख्या में आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं एक मैं आपको दे दू कि आप लोग इसे करो आपका है बहुत इजी तरीके से करना है आपको कि दोस्तों आपके पास है आठ दशमलव एक सौ पच्चीस इसको कैसे करोगे आप लोग तो पहले अपन आठ का करते हैं तो आठ का करते हैं देखिए आठ डिवाइड बाई टू तो चार दोनी आठ शेष फल जीरो फिर चार का दो से तो दो चार फिर शेष फल जीरो दो का दोस्तों अपन दो से करें दो एक कम दो फिर शेष फल जीरो अब फिर एक बचा इसका दो से तो जीरो बार जाएगा शेषफल लास्ट में एक बचेगा हर एक दु आधारित संख्या में एक चीज जरूर हमें ज्ञान मिलता है कि लास्ट में वन जरूर आता है लास्ट में वन जरूर आता है अब दोस्तों जीरो पॉइंट वन टू फाइव का निकालें तो इससे टू का मल्टीप्लाई कर दें दो पंचायत दस की सुन जीरो आता जाए उसे हटा देने दो दोनों चार एक पांच और दो एक कम दो अब इसको हटा देंगे ना और ये जीरो लेंगे ध्यान रखना अगले स्टेप में अपना है जीरो पॉइंट टू फाइव इन टू टू दो पंचायत दस दोनों चार एक पांच ये दस लग गया फिर इसको जीरो को हटा दो और आपके पास जो भी है दोस्तों ठीक है तो इस जीरो को लेंगे इस जीरो को लेंगे फिर पांच से करेंगे मल्टीप्लाई दो से तो दो शून्यम शून्य दो पंचे दस और दस हम लोग यहां अब लास्ट में वन आ गया तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आएगा इसका आंसर जीरो 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 वन जीरो 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 वन पॉइंट जीरो जीरो और लास्ट में वन का होल ट्वाइस इस प्रकार से आप कोई भी संख्या हो यार इजली से आप निकाल सकते हो और यदि छोटा संख्या हो चार हो नौ हो तीन का भी दोस्तों आसानी से आप निकाल सकते हो ठीक है तो आप लोग जरूर सीख लेना एक छोटा सा और वीडियो लाऊंगा दोस्तों इसका अपोजिट करने को कि आपको कोई दुई आधारित संख्या दिया हो तो उस दुई आधारित संख्या को आप किस आसान तरीके से आप दासमिक संख्या में बदल सकते हो तो उसका एक फार्मूला रहेगा कि दोस्तों जितना भी बीट रहेगा एनमा बीट जिस नंबर का होगा इंटू दोस्तों टू के पावर एन माइनस वन ये फार्मूला आपको वहां याद कर लेना रहेगा और आसानी से आप निकाल सकते हो ठीक है तो दोस्तों इसी प्रकार आप लोग करते रहना ठीक है आशा करता हूं आप लोग कर लोगे और इस चैप्टर में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे मैंने कवर करा दिए इस चैप्टर में पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर और दोस्तों आपका जो संधि डायोड है वो सारा कवर हो चुका है और दोस्तों जो गेट है गेट है ना जो आर गेट नाट गेट एन गेट दोस्तों नैन गेट और नार गेट ये सारे गेट भी मैंने कवर करा दिए तो आप लोग जरूर देख लेना चलते हैं दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक ले जय हिंद बंदे मातरम